जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए मैं महत्वपूर्ण भारत की पहली नियुक्तियों के लेकर आया हूँ। इससे रिलेटेड प्रश्न दोस्तों एक प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं अगर आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका बनता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका उत्तर होगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कौन हुए थे? तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर होगा जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत के पहले रक्षा मंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो आपका उत्तर होगा सरदार बलदेव सिंह को भारत के पहले रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका बनता है दोस्तों, भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका उत्तर होगा आर षणमुगम चेट्टी को भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत के पहले विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के पहले विदेश मंत्री आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है, भारत के पहले गवर्नर जनरल मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका उत्तर होगा हरिलाल जी कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपका उत्तर होगा सुकुमार सेन ये भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आपका उत्तर होगा वजाहत हबीबुल्ला ये भारत के पहले सूचना आयुक्त रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो आपका उत्तर होगा एन श्रीनिवास राव भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा जी वी मावलंकर भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है दोस्तों, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो एम सी सीतलवाड़ को भारत के पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका बनता है दोस्तों, भारत के पहले मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? तो आपका उत्तर होगा एन आर पिल्ले ये भारत के पहले मंत्रिमंडल सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका बनता है, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल राजेंद्र सिंह जी ये भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। इन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका बनता है, भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा एयर मार्शल थॉमस एल्मर हर्स्ट। अगला और अंतिम आज का प्रश्न दोस्तों आपका बनता है, भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा वाइस एडमिरल ऑर्डी कटारी। तो दोस्तों ये रहा जनरल नॉलेज संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में आपको और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा। चैनल से जुड़े रहे अगले अपडेट तक। जय हिंद।